हम इंसान शुरू से ही जिज्ञासु प्राणी के रहे हैं। हमारे मन में हमेशा से ही हर चीज के लिए जिज्ञासा भरी हुई है यार। हमारी कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जो हमें लगता है कि वो पूरी ही नहीं हो पाए। ऐसे ही आप में से सभी का सपना होगा कि आप चांद पर जाकर बैठ पाए या चांद को करीब से देख पाए। क्या वो इतना ज्यादा चमकता है जितना वो दूर से यानी कि पृथ्वी से देखने पर लगता है। मेरा भी बचपन का सपना है कि मैं चांद को देख पाऊँ। अब मुझे लग रहा है कि वो सपना सच हो ही जाएगा तो मैं क्यों ना वहाँ पे एक घर भी बना लूँ, साथ ही में एक गार्डन भी बना लेती हूँ जहाँ पे एक झूला डाल लूँ और उस झूले में बैठ के आराम से कॉफी पीते हुए पृथ्वी के लोगों को एलियन कह कह के चिढ़ाऊंगी। अब आपको लग रहा है या तो मेरा दिमाग फिर गया या मैं पागल हूँ या फिर डोरेमोन का कोई एनीवेयर डोर मेरे हाथ में लग गया या फिर जादू जैसा एलियन कोई मेरा दोस्त बन गया जो अपनी स्पेसशिप बुलाएगा और मुझे अंतरिक्ष में ही सैर कराने ले जाएगा। तो इससे पहले आप मुझे पागल समझे या सोचे कि मेरा दिमाग फिर गया है या फिर कोई एलियन की शक्ति मेरे हाथों में लग गई है तो मैं आपको बता दूं कि आखिर ऐसा क्या है, क्या माजरा है इसके पीछे, क्या कहानी है इसकी। तो मैं आपको बता दूं कि जापान की एक क्योटो यूनिवर्सिटी और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने यह दावा किया है कि 2050 तक वो ऐसा प्रोटोटाइप लाएगी जो आपको यहां से यानी कि पृथ्वी से चांद तक की सैर कराएगी, वो भी प्लेन में नहीं, रॉकेट में नहीं, बुलेट ट्रेन में। अब आप सोच रहे होंगे कि हिंदुस्तान में तो ट्रेन पटरियों में नहीं चल पाती तो आसमान तक कैसे पहुंचेगी, आसमान ही नहीं अंतरिक्ष तक कैसे पहुंचेगी। दरअसल जापान की यूनिवर्सिटी क्योटो यूनिवर्सिटी एक प्रोटोटाइप बना रही है जिसका नाम है हेक्साट्रैक। इसे हेक्साट्रैक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इंटरप्लैनेटरी मिशन के तहत रखा गया है। दरअसल ये पृथ्वी को चांद की सतह तक कनेक्ट करेगा। इस प्रोटोटाइप को 2050 तक बना भी लिया जाए। जी हाँ, जापान ने ये दावा कर दिया है कि वो 2050 तक एक ऐसी योजना का निर्माण करेगा जिसके तहत ट्रेन की मदद से इंसानों को चांद तक पहुंचाया जाएगा। अब आप सोच में पड़ गए होंगे या हक्का बक्का रह गए होंगे कि अभी तक रॉकेट का नाम सुना था, प्लेन का नाम सुना था, जो हवाई जहाज आसमान में उड़ते हैं उनका नाम सुना था, मगर ट्रेन, बुलेट ट्रेन आसमान में उड़ेगी ये कभी नहीं सोचा था। हालांकि हिंदुस्तान में तो ट्रेन पटरियों पे नहीं चल पाती और जापान दावा कर रहा है कि वो अंतरिक्ष तक ट्रेनों को लेकर जाएगा और यही नहीं चांद में कॉलोनीज भी बनाएगा। जी हाँ, उसने दावा किया है कि वो चांद पर कॉलोनीज बनाएगा जिसमें इंसानों के रहने जैसा वातावरण होगा, ऐसा माहौल होगा जहाँ पे आप रह सके, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं होगी, बल्कि पेड़ पौधे, नदियाँ, बरसात तक का मौसम होगा। जी हाँ, चांद पे ये सब मुमकिन होगा। खैर, इस खबर ने आपके मन में और दिमाग में दिलचस्पी जरूर पैदा कर दी और रोमांच से भरा आपका ये मस्तिष्क सोच रहा होगा कि आखिर ये सपना पूरा कब तक हो पाएगा। तो आपको बता दें कि इसका प्रोटोटाइप 2050 तक में पूरा होगा और इसको क्योटो यूनिवर्सिटी और गाजिमा कंस्ट्रक्शन बनाना शुरू कर चुके हैं। इस टेक्नोलॉजी को सामने ला भी चुका है और इसको मंजूरी भी मिल गई है। जी हाँ, इसको मंजूरी मिल गई है। अब चांद तक इंसान बुलेट ट्रेन में बैठ के जाएगा। सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा है, मगर क्या एडिसन का बल्ब बनाना या उजाला, रात में उजाला करना, ये थोड़ा अटपटा नहीं लगता? ये भी अटपटा लगता है, मगर ये सच हुआ क्योंकि इसके पीछे विज्ञान और दिमाग था। तो आपको बता दें कि 2050 तक आपका ये सपना आप अपने आंखों से देख पाएंगे कि लोग ट्रेन में बैठ के आसमान तक पहुंचेंगे। आपको बता दूं कि आखिर इस एक्सप्रेस वे का नाम क्या होगा जो आपको बुलेट ट्रेन से चांद तक लेके जाएगा और इस एक्सप्रेस वे को कहाँ रोका जाएगा। दरअसल स्पेस में कुछ कॉलोनीज बनाई जाएगी, जो चांद पर कॉलोनी बनाई जाएगी उसका नाम होगा लूनर ग्लास और वही चांद के सफल परीक्षण के बाद इसको मार्स यानी मंगल ग्रह पर भी बनाया जाएगा। जहाँ चाइना अभी तक सिर्फ पानी की खोज कर रहा है, अमेरिका चांद पर फिर से जाने की नुमाइश कर रहा है, वही जापान दावा कर रहा है कि वो चांद तक जा पाएगा बुलेट ट्रेन से। तो देखते हैं कि आखिर ये कितना सच होगा। वही जो मार्स पे कॉलोनी बनाई जाएगी उसका नाम होगा मार्स क्लास। आखिर ये कॉलोनी कितनी सफल होगी या फिर योजना कितनी सफल होगी इसका अंदाजा लगाना अभी कठिन है, मगर 2050 तक हमें इसका प्रोटोटाइप जरूर मिल जाएगा। देखना होगा कि ये आइडिया, ये योजना कितनी सफल होगी या ये दिमाग जिसने भी लगाया ये कितना सोच और कितना सही सटीक तरीके से ये लगाया। मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि हमें यानी भारतवासियों को भी जापान में चांद तक जाने का पैसा भिजवा देना चाहिए या फिर रजिस्ट्री करवा लेनी चाहिए कि भैया
चांद पर एक प्लॉट हमारा भी काट देना या हमारे लिए भी एक सीट रिजर्व कर देना। आपके हिसाब से 2050 तक क्या आप चांद पर जाते हुए लोगों को बुलेट ट्रेन से देख पाएंगे? क्या आप बुलेट ट्रेन में बैठे और चांद के मिलियंस को टाटा बाय कर रहे हो, ऐसा सपना देख सकते हैं आप? या आपको लग रहा है कि ये सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा? हालांकि इंसानी दिमाग बहुत तेज होता है और हमारे नॉलेजेबल बुक्स यानी कि ज्ञान विज्ञान की बुक्स के अनुसार इंसान का दिमाग बहुत तेज होता है और इंसान का दिमाग ही एक ऐसा हथियार है जिससे आप किसी भी चीज को पा सकते। हमारी इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में आखिर क्या विचार है? अगर आपको चांद तक का ये सफर तय करना है या फिर चांद के से जुड़े इस मिशन के बारे में जानते रहना है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही में सब्सक्राइब बटन भी दबाइए और उस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।